संत कबीर की जादुई लेखनी ने हर पहलू को छुआ है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया है, मानव को मानव के करीब लाने का प्रयास किया है, साथ ही साथ इंसान को सही रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन जीने की सलाह भी दी है। कबीर दास का दूसरा शब्द जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में शामिल है वो है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी घर उपड़ी, कुबुधि का भांडा फूटा, जोग जुगुति करी संतों बांधी, निरचु चुए न पानी, कूड़ कपट काया निष्काया, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जे जल बूठा, प्रेम हरि जन भीनी, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीनी। इस रचना में, इस शब्द में संत कबीर ने ज्ञान की महिमा का बखान किया है और ज्ञान को एक आंधी की संज्ञा दी है। एक आंधी जब भी आती है तो कमजोर घर बने हुए हैं, जो देहाती भाषा में जिसको मड़ई टाटी पलानी वगैरह कहा जाता है, उनका अस्तित्व सबसे अधिक खतरे में रहता है और आंधी में वो सबसे पहले उड़ जाते हैं। कबीर दास ने हमारे जीवन के दुर्गुणों को, हमारी जीवन में शामिल, मानवीय जीवन में शामिल जो दुर्गुण है, उनको उसी कमजोर घर की संज्ञा दी है और ज्ञानी ज्ञान को आंधी बताया है। और जैसे आंधी के आने से कमजोर घर का अस्तित्व मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी आंधी के आने से हमारे जीवन की ये बेवजह की जटिलताएं जिसको हम बना करके रखे हुए हैं, हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, हमारे अंदर के जो दुर्विकार हैं, कबीर की नज़र में ये बहुत कमज़ोर चीज़ हैं और जब भी हमारे अंदर ज्ञान की आंधी आती है तो ये स्वतः ही उड़ जाते हैं। जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि भ्रम को टाटी की संज्ञा दी गई है और माया को रस्सी बताया है। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी। यदि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो हमारे अंदर से भ्रम स्वतः दूर हो जाएगा, क्योंकि एक टाटी के समान है जिसके अंदर हम अपना जीवन बिताते हैं और माया जो है वो रस्सी है जो उस भ्रम को बांधे हुए है। हित चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। मोह जो है वो छप्पर को टिकाने के लिए एक मोटा मोटी लकड़ी लगाते हैं दीवार के ऊपर या टाटी के ऊपर, तो कबीर कह रहे हैं कि वो मोह रूपी बलिंडा जो है, धरण कहा जाता है उसको देहात में, तो वो जिस पर वो छप्पर टिका हुआ होता है जो कि तृष्णा का छप्पर है, वो गिर जाता है। और हमारी हित चीति जो है, कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो स्वार्थ या कामना वगैरह, लालसा वगैरह की जो टाटी है वह जो है, वह टाटी माफ कीजिएगा स्तंभ जो है वो गिर जाता है, खंभा जो है वो गिर जाता है। तृष्णा छानी पड़ी घर उपड़ी, कुबुधि का भांडा फूटा। जब घर से उसके स्तंभ गिर जाएंगे, उसकी टाटी हट जाएगी, उसका छप्पर गिर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि घर में रखे हुए जो कुछ बर्तन वगैरह हैं वो भी नष्ट होंगे। तो कुबुद्धि जो है, कुबुद्धि को कबीरदास ने वो भांडा यानी मिट्टी के बर्तन की संज्ञा दी है कि आंधी के आने से वो भी फूट जाता है। और जोग जुगुति करी संतों बांधी, निरचु चुए न पानी, यही सारे चीज़ हम लोग एकत्रित करके मोह माया तृष्णा लालच द्वेष ईर्ष्या इत्यादि को अपने जीवन में शामिल करके हम अपने आप को दूसरों से आगे निकालने की कोशिश करते हैं, तो कबीर कहते हैं कि ये सारे दुर्गुण भी अपने आप हमारे जीवन से निकल जाते हैं। और कूड़ कपट काया निष्काया, हरि की गति जब जानी, जब हम ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय महिमा, ईश्वरीय अनुकंपा का
परिचय हमसे होता है, तो ये जो कूड़ कपट काया निष्काया, इस काया को कबीरदास ने कहा है कि इसके अंदर जो बहुत सारे दुर्गुण, बहुत सारे दुर्विकार, बहुत सारी बुराइयां जो रहती हैं, इस काया से स्वतः निकल जाती हैं जब हम ईश्वरीय शक्ति को पहचानते हैं, जब हम ईश्वरीय महिमा को पहचानते हैं। आंधी पीछे जे जल गूठा प्रेम हरी जन भीनी, आंधी आने के बाद यदि बारिश होती है तो आसमान स्वतः ही स्वच्छ नजर आने लगता है। तो वैसे ही जब ज्ञान की आंधी हमारे जीवन में आएगी, जब ज्ञान की आंधी हमारे जीवन में आती है और हमारे अंदर से हमारी सारी बुराइयों को निकाल करके ले जाती है, तो हमारा जीवन भी स्वच्छ हो जाता है। और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खानी, भान यानी सूरज को कहा गया है भान, तो जैसे सूरज निकल करके धरती का अंधेरा मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान की आंधी या जब भी हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फूटता है तो हमारे अंदर हमारे जीवन से वो सारे अंधेरे यानी हमारे सारे दुर्गुण स्वतः निकल जाते हैं और तब हमारे जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तात्पर्य यह कि इस शब्द में कबीरदास ने ज्ञान को प्रमुख माना है और ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान ही एक ऐसा चीज है या ज्ञान ही एक ऐसी ईश्वरीय महिमा है जो हमारे अंदर से हमारे दुर्गुण, हमारे दुर्विकार, हमारी बुराइयों को निकाल करके हमें सुखी और स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है, हमें इसको अर्जित करना चाहिए और जब भी इसका हमारे जीवन में आगमन होता है जब, तो ये आंधी की तरह आता है और हमारे अंदर के सारे दुर्गुण, सारे दुर्विकार, सारी बुराइयों को निकाल करके हमारे जीवन से बहुत दूर ले जाता है और तब हमारे जीवन में एक प्रकाश स्वतः फूटता है जिस